तस्लिमा नासरीन को लेके कलकत्ता में जो तांडव हुआ था, जिसमें सेना को उतारना पड़ा, पहला कलकत्ता में, इस स्थिति का पैदा करने वाला इदरीस वाली है। उसी समय उनको जेल में धकेलना चाहिए था। इन्होंने इदरीस अली का छानबीन हो जाए, बाहरी उग्रवादी संस्था से इनका तालमेल जरूर है और इन्होंने लिंक मैन का रूप में काम कर रहा है। तृणमूल में ऐसा कुछ एमपी है, एक का नाम तो शिमिका बारे में पहले ही आ चुका है, अभी ये भी एक है जिन्होंने ये सब सारे गतिविधियों से तालमेल रखते हैं। जो पार्सरका से लेकर पूरा कलकत्ता में तस्लिमा नर्सिंग को लेकर जो बड़ा हंगामा हुआ था और सेना को उतरना पड़ा उस हंगामा को रोकने के लिए, इसमें मूल आरोपी था इदरीस अली। तो इसीलिए इनका बातों का कोई दम नहीं है। और मोदी जी देशभक्त है, बीजेपी का सारे लोग देशभक्त है। हम सत्ता को भी त्याग सकते हैं लेकिन देश का एक छोटा सा हिस्सा भी हम छोड़ नहीं सकते। इसीलिए देश के लिए कुर्बानी देना, देश के लिए जान देना, ये भारतीय जनता पार्टी का मूल मकसद है, मूल काम है। और इसीलिए हमने पहला पाठ में सिखाता है, जो पहला भाजपा में जो आते हैं उनको पहले हम पाठ देते हैं, जो नेता नहीं, दल नहीं, देश सबसे ऊंचा है। देश रक्षा होगा तो दल रहेगा, नेता रहेगा। जो पार्टी ऐसा शिक्षा देता है, पार्टी से भी बड़ा देश है। इसलिए देश के लिए हम सब कुछ कर सकते हैं। इसीलिए मोदी जी को ऊपर जो उन्होंने आरोप लगाया, एक तो उनका काद ही नहीं है उतना तक बोलने का, और इनका पास कोई सबूत है तो सबूत पेश करें। लेकिन मैं समझता हूं ऐसा कुछ लोग होते हैं जिन लोगों का ना तृणमूल में कोई बाजार है, ना समाज में कोई मान्यता है, तो इन लोगों ने ऐसा कुछ भाषण देके, कुछ अनारी बात बोल के खुद को थोड़ा इंपॉर्टेंसी में लाना चाहता है। तो इसी में इस बात कहा, हम इस बात को निंदा करता है। और साथ साथ तृणमूल कांग्रेस को मैं ये बात कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री का खिलाफ इतना बड़ा आरोप आपका एक सांसद लगाया, उनका निजी बात करके इसको टालना कोई शोभा नहीं देता है। सीधा बात है, या तो उनके ऊपर कार्रवाई करे, या तो इदरीस अली से तृणमूल कांग्रेस ने कहे वो क्षमा मांगे इस बात के लिए।